हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लार में। बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स के मैथ का जो एनसीईआरटी का ये जो मैथ है, इसका चैप्टर टू हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज दिया हुआ नहीं है, ये छोटा चैप्टर है तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है हॉल नंबर्स। तो हॉल नंबर के बारे में हो सकता है कि आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जान जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में इसका दिया हुआ है, एज वी नो वी यूज 1 2 3 4। तो इस तरह का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 1 2 3 4 से काउंटिंग करते हैं, और जो काउंटिंग नंबर होता है, कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर जो होता है उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा प्रीडेसर एंड सक्सेसर। पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीडेसर एंड सक्सेसर। तो प्रीडेसर सक्सेसर वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, अदरवाइज बहुत ही ये ईजी मैथ होते हुए भी आपका छूट जाएगा। तो सक्सेसर का मतलब होता है एक बढ़ा देना, एक प्लस कर देना, और प्रीडेसर का मतलब होता है एक माइनस कर देना, बस इतना सा है। तो यहाँ पे करके दिखाया गया है, जैसे कि 16 + 1 = 17 हो गया, और प्रीडेसर में ये सक्सेसर हो गया, प्रीडेसर में 20 = 20 - 1, तो 19 जो हो गया वो 20 का प्रीडेसर हो गया, इस तरह से। और यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, एक बच्चा जो है उसके सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अभी भी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हॉल नंबर क्या है। तो हॉल नंबर हम लोग को आगे मिलेगा, यहाँ पे हॉल नंबर 2.2 में यहाँ पे देख रहे हैं हॉल नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ हॉल नंबर्स। तो हॉल नंबर वैसा कुछ नहीं विशेष नहीं है जिसको आप नहीं जान पाएंगे, कि नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर, उसमें आप जीरो से काउंटिंग कीजिए, जीरो उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो बन जाएगा हॉल नंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ होगा, जैसे हम लोग 1 2 गिनना शुरू करते हैं, तो उसको गिनना है 0 1 2। यहाँ पे नंबर लाइन दिखाया गया है, द नंबर लाइन। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हॉल नंबर। सिर्फ नेचुरल नंबर में जीरो उसके साथ लगा देना है, और वो बन गया हॉल नंबर। हॉल नंबर ये समझ में आ गया। अब जो है इसमें हम लोगों को छोटा बड़ा मिल सकता है, ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से हम लोगों को बनाने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इसमें दिया हुआ है कि एडिशन ऑन द नंबर लाइन, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड वही रहेगा जो पहले हम लोग सीख चुके हैं। सबट्रैक्ट कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी वही रहेगा, लेकिन सबट्रैक्ट में कुछ बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो जीरो के इधर है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उधर चला जाता है तो वो फिर होल नंबर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ होगा इसका, एक्सरसाइज 2.1 है। मैं आपको इसमें ही, इसी वीडियो में आपको इसको बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर में यहाँ पर कोई भी दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमको होल नंबर मिलेगा। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हॉल नंबर मिलेगा उसका रिजल्ट। तो ये हो गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें और प्रॉपर्टी रहता है, चार तरह का प्रॉपर्टी रहता है। तो उसके बारे में आपको इस क्लास में पढ़ना है, अगला क्लास में भी पढ़ना है, इस तरह से धीरे धीरे आप इसको समझ पाएंगे। तो इसके अलावा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर दिया गया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कम्यूटेटिव और एडिशन इन मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी होता है, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं देखो, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उतना ही रिजल्ट देगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 × 5 तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, और 5 × 4 दोनों को किसी भी ऑर्डर में करेंगे तो हमको रिजल्ट वही मिलेगा। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर दिया हुआ है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो एडिशन करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट उतना ही मिलता है, इस तरह से। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होता है, या दो नंबर को एक ब्रैकेट में रख दिया जाता है, तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है हमको आगे बनाने के लिए हमको मिलेगा। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन हम लोग बनाते जाएंगे तो हमारा डाउट भी क्लियर होता जाएगा। इसीलिए मैं आपको 2.1 का आपको पेपर पर बनाकर देता हूँ। तो आइए पेपर पर चलते हैं। बच्चों, हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, ये चैप्टर 2 का है, क्लास 6 का मैथ है ये। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर, इतना दिया हुआ है। तो नेक्स्ट 3 मतलब इसके बाद, मतलब आगे बढ़ते जाएगा। तो जहाँ तक संभव हो मैं इसी पेपर में आपको सॉल्व कर देता हूँ, जो संभव नहीं होगा उसको मैं एक ब्लैंक पेपर लेकर उस पर बनाकर दिखा दूंगा। तो यहाँ पे 3 नंबर आगे बढ़ाना है इसके आगे, तो ये जो है 999 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब इसमें प्लस 8 कर देना, 1 + 8 कर देना है। तो इसमें सिंपली हो जाएगा क्या, 11 और 000, 1000 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक नंबर और बढ़ा देते हैं तो 11000 हो जाएगा। तो 11000 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 और ये 1, और फिर 2 हो जाएगा, 11000 2, ये हो गया।
इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से बोल रहा है राइट द थ्री होल नंबर्स ओक्योरिंग जस्ट बिफोर 10001। तो इसके ठीक तीन नंबर जो है पीछे करना, बिफोर मतलब बोल रहा है पहले, तो इसमें वन माइनस करना, तो वन माइनस करेंगे तो क्या होगा 10000 हो जाएगा, ये हो गया 10000। इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे मतलब इससे एक कम करना है, तो इसमें से वन ये फाइव डिजिट का है तो ये फोर डिजिट का रह जाएगा, तो डबल नाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9999। और एक बार और फिर से कम करेंगे, तीन ठो लेना है तो फिर 9999 और 8 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है जीरो, क्योंकि जीरो से ही शुरू होता है, ये हो जाएगा जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन इसके और इसके बीच में 32 और 53 के बीच में, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, इसको पता चल जाएगा 53 और 32, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया, 21 आ रहा है। इसमें क्या होता है, हम इसके आगे लेते हैं लेकिन यहाँ तक लेते हैं, हमको 32 तक नहीं लेना है, इससे कम लेना है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आता है उसमें एक और कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 20। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन ले सकते हैं, एक नंबर लाइन ले सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक नंबर लाइन लीजिए और इसमें जो है 32 यहाँ से लगा दीजिए 32, इस तरह से यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेना है और यहाँ से 53 या 32 से हम लोग को चलना है, मतलब इस नंबर को नहीं लेना है और 53 तक चलना है, तो मतलब इस नंबर को नहीं लेना है, इसके बीच में यहाँ पे बिटवीन बोल रहा है तो इसके बीच में लेना है, तो यहाँ पे इसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं इसको हम लोगों को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके बीच में 20 नंबर है, या फिर इस तरह से पता कर सकते हैं माइनस जब करेंगे तो उसमें से एक और हम माइनस कर लेंगे तो इसमें उसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो गया 20। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, राइट सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर का मतलब सिंपली मैं बता चुका हूँ कि 1 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसमें लास्ट में क्या हुआ है 701 दिया हुआ है, तो 702 हो जाएगा, तो जो नंबर दिया हुआ है वही रहेगा, सिर्फ एक बढ़ जाएगा 244 0702, एक बढ़ गया, इसमें से एक बढ़ा देना है तो 199 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ 200 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और इसी तरह से इसमें यहाँ पे यहाँ 9 जो इतना दिया हुआ है 529 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 59 हट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप 1 ऐड कर दीजिए पता चल जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखते हैं 0 हो गया और 1 2 3 4 5 1 प्लस कर देते हैं 9 और 1 10 हो गया, 0 फिर 1 बच गया, फिर 9 और हाथ वाला, फिर 10 हो गया, फिर 0 फिर यहाँ 9 और फिर हाथ वाला, फिर 0 फिर यहाँ पे 9 और हाथ वाला, फिर 0, उसी तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा और 1 जो हाथ वाला है वो यहाँ आ जाएगा और ये पहले से जो है यहाँ हो जाएगा, इस तरह से ये बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 पे 50 2 3 4 5, ये हो गया। इसमें भी 1 प्लस कर देना है तो 670 है तो 71 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 1, हो गया कंप्लीट। इस तरह से इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रीडेसर, इसमें माइनस कर देना, तो माइनस कर देना तो इसका क्या हो जाएगा, एक कम करना है तो ये 94 है, 93 हो जाएगा और ये है 10000 यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये है 10000, तो यहाँ पे 1 माइनस कर दिए 10 हो गया, 10 में से तो 1 चला गया तो 9 हो गया, फिर यहाँ भी 9, फिर यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और 1 तो कैरी लिया गया था इसलिए ये 0 हो गया, मतलब ये हो गया इतना 9999, इसका आंसर हो जाएगा 9999, ये हो गया इसका आंसर। और इस तरह से ये 90 है तो 90 से एक कम हो जाएगा तो क्या होगा 89, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे 208089, ये आंसर हो गया। यहाँ पे 21 है तो 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 7654320 हो जाएगा, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन इच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा नंबर दिया हुआ है 1 2, इस तरह से नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में ये लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इन दोनों में से कोई तो आएगा, मतलब जो छोटा रहेगा वो लेफ्ट में आएगा इस साइड और जो बड़ा रहेगा वो राइट साइड में आएगा, तो सिंपली जान लेना है कि जो छोटा है वो लेफ्ट साइड में आएगा। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्राइट साइन और ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल भी लगा लेना है, तो जो
छोटा रहेगा उसको इधर रखना है, तो सारे में वैसा ही हो जाएगा। बिटवीन देम इसके बीच में जो है इस तरह का साइन लगा लेना है। तो यहाँ पे ये बनने वाला नहीं है, इसको पेपर में बनाना होगा। तो यहाँ एक पेपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है और इसका ए नंबर, तो यहाँ पे छोटा कौन है 530 और 503, तो 503 है तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 503 इज लेफ्ट साइड ऑफ 530, तो 503 जो है 530 की लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा तो इसको लेफ्ट में ही लिखते हैं। और दिखाने के लिए बोला गया है ग्रेटर लेस देन, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये हो गया छोटा हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि जिधर छोटा रहता है उधर नुकीला रहता है और जिधर बड़ा रहता है उधर मुँह खुला हुआ रहता है, तो ये 530 ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सब में बी नंबर में भी इसी तरह से, सब में इसी तरह से हो जाएगा, जो छोटा है तो सबके लिए लिख देंगे। तो छोटा कौन है ये है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 307 इज लेफ्ट साइड ऑफ 370, तो ये हो जाएगा। इसमें भी हम इस तरह से सिंबल दिखा देंगे 307 लेस देन 370, ये हो गया। सी नंबर में भी ऐसे हो जाएगा, तो ये जो है ये लेफ्ट में हो जाएगा इसका क्योंकि ये छोटा है, तो इसको सिंबल में हम दिखा देंगे 789, तो ये हो गया लेस देन 98,765, ये इसका आंसर हो जाएगा। सी डी नंबर में उसी तरह से हो जाएगा, ये इसमें कौन छोटा है सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ये कम डिजिट का है मतलब यही छोटा है, तो ये जो है, तो ये जो है ये लेफ्ट साइड हो जाएगा इसका, तो इसको हमको दिखा देना है सिंबल में 98,30,415 लेस देन 100,23,001, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स बतलाना है, तो इसको स्पेशली हम लोग को समझना है बढ़िया से, तभी हम लोग इसको ट्रू फॉल्स कर सकेंगे। तो इसको यहीं पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जीरो इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है इसीलिए ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद 400 इज द प्रेडिसर ऑफ 399, प्रेडिसर ऑफ 399, प्रेडिसर मतलब होता है एक कम, तो 399 का प्रेडिसर बनाएंगे तो 398 बनेगा, 400 नहीं बनेगा, मतलब ये सक्सेसर हो जा रहा है, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद जीरो इज द स्मॉलेस्ट हॉल नंबर, तो ये सही बोल रहा है, जीरो स्मॉलेस्ट नंबर है, हॉल नंबर स्मॉलेस्ट हॉल नंबर है, तो ये ट्रू है क्योंकि जीरो से ही हॉल नंबर शुरू होता है। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, तो 600, तो 599 में 1 प्लस कर देंगे 600 बनेगा, मतलब ये सक्सेसर है, ये ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर हॉल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 से शुरू होता है और 1 2 हॉल नंबर में तो होता ही है, इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर आर हॉल नंबर, तो ये ट्रू है। ऑल हॉल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो सभी जो हॉल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो नहीं है क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद द प्रेडिसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, मतलब एक डबल डिजिट नंबर जो है उसको हम प्रेडिसर करते हैं तो कभी भी सिंगल नंबर में नहीं आएगा, तो ये सही नहीं है। एक्चुअली अगर हम 10 लेते हैं और डबल डिजिट नंबर है 10 और उसको हम प्रेडिसर करते हैं 1 माइनस करते हैं तो आएगा 9, और ये सिंगल नंबर है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। 1 इज द स्मॉलेस्ट हॉल नंबर, 1 इज स्मॉलेस्ट हॉल नंबर, तो स्मॉलेस्ट हॉल नंबर तो 0 है, तो 1 कैसे होगा, ये फॉल्स है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, तो हालांकि 1 का प्रेडिसर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, वो जैसे इसका प्रेडिसर होगा तो वो हॉल नंबर में चला जाएगा, इसीलिए हैज नो प्रेडिसर, मतलब ये सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है द हॉल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, तो नो प्रेडिसर बोल रहा है जबकि प्रेडिसर है, क्योंकि इससे 1 माइनस करते हैं तो 0 बनेगा और 0 बनेगा तो हॉल नंबर है, तो इसका मतलब प्रेडिसर होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नो बोल रहा है, अगर प्रेडिसर बोलता तो ये यस होता, ट्रू होता। द हॉल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, तो 11 12 के बीच में 13 नहीं होता, वो 12 से आगे होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। उसके बाद द हॉल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर, तो अगर इसमें से 1 को माइनस करते हैं तो कोई भी हॉल नंबर नहीं मिलेगा, फिर वो माइनस में चला जाएगा तो वो हॉल नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये ट्रू है। द सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए टू डिजिट नंबर, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि
टू डिजिट नंबर का सक्सेसर अगर हम लेते हैं और टू डिजिट नंबर ही मिलेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। अगर 99 लेते हैं तो 99 क्या है, 99 टू डिजिट नंबर है, और इसमें सक्सेसर इसका लेते हैं तो प्लस वन करते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, थ्री डिजिट नंबर आ जाएगा। टू डिजिट नंबर हमेशा नहीं होता, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस तरह के कई सब्जेक्ट्स का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप जिस प्रकार से कमेंट करेंगे उसके अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।